नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए मोहिनी एकादशी की व्रत कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के बीच एक महत्वपूर्ण संवाद हो रहा था। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और इसके पालन से क्या फल प्राप्त होता है, कृपा विस्तार पूर्वक बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी का पालन करने से व्यक्ति संसार के सभी दुखों और पापों से मुक्ति प्राप्त करता है। प्राचीन काल में सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नामक एक राज्य था, जहां राजा धृतिमान राज्य करते थे। उनके राज्य में एक धनपाल नाम का वैष्णव रहता था, जो भगवान श्री हरि विष्णु का परम भक्त था। दान पुण्य आदि के कार्यों में वह सदा लगा रहता था। उसने अपने राज्य में अनेक धर्मशालाओं, प्याऊ आदि की स्थापना करवाई थी। धर्मपाल के 5 पुत्र थे, सुमना, प्रीतिमान, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। उनका 5वां पुत्र अपने नाम के अनुसार अत्यंत दुराचारी था, मदिरापान, मांस भक्षण आदि करता था। पाप कर्मों में वह सदा लगा रहता था। एक दिन उसके पिता ने उसे एक वेश्या के साथ देख लिया। उसी समय उन्होंने उसे अपने घर से निकाल दिया। अब धृष्ट बुद्धि ने अपने नगर में चोरी आदि करना शुरू कर दिया। पकड़े जाने पर वह जंगलों की ओर भाग गया, पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से पीड़ित होकर खाने की तलाश में वह घूमता हुआ पुंडिर ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास चल रहा था। मुनिवर गंगा स्नान करके वापस आ रहे थे। उनके भीगे हुए वस्त्रों के छींटे धृष्ट बुद्धि पर पड़े, जिससे उसे सद्बुद्धि की प्राप्ति हुई। वह मुनि के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, हे मुनिवर, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं, आप मुझे इन पापों से छुटकारा पाने का कोई उपाय बताएं। उसके ऐसे वचन सुनकर मुनि बोले, तुम वैशाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत करो, इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में उसे विष्णु लोक प्राप्त हुआ। इस व्रत को करने से व्यक्ति को मोह जाल से मुक्ति प्राप्त होती है। पूरे संसार में इससे श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। मोहिनी एकादशी की इस कथा को कहने और सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। जय श्री हरि विष्णु।